अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आप सब ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अब जुहेर के नखरे स्टार्ट हो गए हैं जब से मैंने बोला कि मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो जी, आज का रिव्यू है रेदान हाउस ऑफ मंदी। यहाँ पे हम इनका ब्रेकफास्ट प्लेटर जो है वो ट्राई करने आए हैं। वीडियो को आप सब ने एंड तक जरूर देखना है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये है इनका एक प्राइवेट एरिया। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्राइवेट एरियाज बनाए हुए हैं फैमिलीज़ के लिए। यहाँ पे टेबल है, जब जो अगर आप प्राइवेट एरिया में नहीं बैठना चाहते तो आप यहाँ बैठ जाएं। बहुत अच्छा सा एम्बियंस है इसका, अरेबिक टाइप का टच आ रहा है इनके एम्बियंस में। इन्होंने छोटी छोटी सी जगहें बनाई हुई हैं, अगर आपको बैठ के खाना है विद फैमिली विद प्राइवेसी तो आप ऐसे बैठ के खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो पर्दे भी लगे हुए हैं, पर्दे वाले एरिया में भी आप जा सकते हैं। हम वहाँ बैठे थे जहाँ पे पर्दे लगे हुए थे, कर्टन्स लगे हुए थे। अच्छा, ये सारा प्लेटर है। इनके प्लेटर में है हलवा पूरी, आलू चने की तरकारी, दम कीमा, चिकन कीमा जो है वो बड़ा मज़े का था, चीज़ ऑमलेट भी था, फ्रेश फ्रूट था, अरीका था, साइड लाइन में जैम, बटर, खजूर, चीज़, बॉयल एग, अचार, दो लस्सी थी। और हमने जो है उसके बजाय जूस और चाय मंगवा ली थी, लस्सी को हमने स्किप कर दिया था और हमने बहुत इंजॉय किया था। इनका ब्रेकफास्ट प्लेटर बहुत ही मज़े का था, तो आई रिकमेंड आप लोग भी जाके एक बार ट्राई करें। तो जी, ये था आज का वीलॉग। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने रेदान हाउस ऑफ मंदी को विजिट किया हो और आपको इसका प्लेटर कैसा लगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू आने वाला है बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।